नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2020 पुस्तकालय सूचना सहायक, तकनीकी सहायक, आशुलिपिक मल्टी टास्किंग स्टाफ का सिलेबस पैटर्न एवं एग्जामिनेशन पैटर्न जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। क्योंकि लिंक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने वैकेंसीज का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2020 रजिस्टर्ड हियर का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। व्हाट्स न्यू में हम देख सकते हैं कैटेगरी वाइज स्टेटस ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020, नोटिस रिगार्डिंग रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टू द कैंडिडेट्स, सिलेबस फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट, सिलेबस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब बायोलॉजिकल एंड फिजिकल ग्रुप, सिलेबस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ टेक्निकल पोस्ट, एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ नॉन टेक्निकल पोस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज स्टेटस फॉर कैंडिडेट रजिस्टर्ड। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट कैटेगरी, नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स एज पर कैटेगरी वाइज। तो हम देख सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब में कितने अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, 8,916। इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस में टोटल जो कैंडिडेट्स हैं 921। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट्स हैं 432 हैं। इसी तरह से स्टेनो ग्रेड सेकेंड में जो टोटल अभ्यर्थी हैं 432 हैं। और इसी तरह से यहाँ पर स्टेनो ग्रेड सेकेंड में टोटल जो अभ्यर्थी यहाँ पर कितने हैं, 1,185। इस तरह से हम देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में टोटल जो अभ्यर्थी हैं कितने हैं, 11,440। इस प्रकार कुल वैकेंसीज में अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की अक्रम संख्या को देखते हैं तो यह 22,894 निर्धारित की गई है। तो हमने देखा कि यहाँ कैटेगरी वाइज जो अभ्यर्थी हैं, कितने अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। अब बात करेंगे हम सिलेबस फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट के संदर्भ में। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस फॉर मल्टी टास्किंग स्टाफ पोस्ट पे लेवल 1/7 CPC पे मैट्रिक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सिलेबस है वो जारी किया गया है। इस पीडीएफ फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। स्टेनो ग्रेड सेकेंड, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट,
अब बात करेंगे हम सिलेबस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब बायोलॉजिकल एंड फिजिकल ग्रुप। इस पर जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इसी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। बॉटनी का जो सिलेबस है जारी किया गया है, इसमें 11th और 12th का जो सिलेबस है इस तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो सिलेबस है जारी किया गया है। जूलॉजी सिलेबस ऑफ फॉरेस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जनरल सिलेबस फॉर एंट्री लेवल पोस्ट ऑफ कैटेगरी आईआईटी टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 5th and 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स। इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। अब बात करेंगे हम सिलेबस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो पीडीएफ फाइल है डाउनलोड होगा। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस का जो सिलेबस है जारी किया गया है। इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एग्जामिनेशन पैटर्न के संदर्भ में। एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर टेक्निकल पोस्ट, इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह से एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें फील्ड और लैब है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस ईच फॉर एनी टू सब्जेक्ट इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप, टोटल 40 मार्क्स यानी 40 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर टू सब्जेक्ट और एनी टू सब्जेक्ट जिसमें ग्रुप ए में हम ले सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस बॉटनी जूलॉजी और फॉरेस्ट्री, और ग्रुप बी में दे रखा है यहाँ पर फिजिक्स फिजिकल साइंस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट को हम चूज कर सकते हैं। यहाँ से जो 20-20 क्वेश्चन आएंगे पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अर्थमेटिक्स 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश एंड जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 20 मार्क्स के आएंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड एंड लैब का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह से हम टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो यह 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अर्थमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश एंड जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टोटल
मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे 100 3 आवर्स, जो समय रहेगा एग्ज़ाम का, ड्यूरेशन है 3 आवर्स एंड 40 मिनट 14 मिनट फॉर VH OH एफेक्टेड एंड सेरेब्रल पैल्सी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो यहाँ जो समय दिया गया है, यहाँ 3 घंटे का जो समय है दिया गया है, और जो डिसेबिलिटीज़ कैटेगरीज हैं उनके लिए 3 घंटे और 40 मिनट का जो समय है दिया गया है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल जो व्यक्ति है अभ्यर्थी, उसके लिए 3 घंटे का समय रहेगा और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, ईच करेक्ट आंसर विल बी कैरी 1 मार्क्स। अगर आप प्रश्न सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत करते हैं तो 1/3 जो मार्क्स हैं यहाँ पर डिडक्ट किए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। कैंडिडेट शैल बी सेलेक्टेड एज पर हाईएस्ट मेरिट बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो मेरिट बनेगी वो केवल रिटन जो एग्जामिनेशन है उसके आधार पर ही बनाई जाएगी और उसके आधार पर ही जो सिलेक्शन है किया जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड जो एग्जामिनेशन पैटर्न है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो इस पर लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह से एक PDF फाइल डाउनलोड होगी, इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए है, तो पहला जो है 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश होगी, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं टोटल जो मार्क्स होंगे 100 नंबर का पेपर होगा, जो और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे रहेंगे। स्टेनोग्रेड थर्ड सेकेंड की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस तरह से टोटल जो पेपर होगा 100 मार्क्स का रहेगा और ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ 40 मार्क्स आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और लाइब्रेरी साइंस ग्रेजुएट लेवल। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में यहाँ 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक नॉलेज होगी, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर 20 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं टोटल जो क्वेश्चन है यहाँ पर 100 होंगे, और समय अवधि कितनी रहेगी हमारे पास में 2 घंटे की समय अवधि रहेगी। जो डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 घंटे और 40 मिनट का जो समय है रहेगा पेपर के लिए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, अगर सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1/4 जो मार्क्स हैं काट दिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर फॉर द पोस्ट 1 एंड 3 कैंडिडेट शैल बी सेलेक्टेड एज पर हाईएस्ट मेरिट बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एग्जाम में जो हाईएस्ट नंबर प्राप्त करेंगे उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 5 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज द पोस्ट नंबर 2 स्टेनोग्राफ सेकेंड विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्किल टेस्ट फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पर यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और जो स्किल टेस्ट होगा वो केवल एक क्वालिफाइंग नेचर के लिए रहेगा। इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, प्रिपेयर की जाएगी और उसके बेसिस पे फिर सिलेक्शन किया जाएगा। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स टाई या इन मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन मेरिट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रैंकिंग इन द वेरियस सब सेक्शंस इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर। एग्जाम्पल, सब सेक्शन फर्स्ट विल बी हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन फिर सेक्शन बी को लेंगे, इसके बाद में सेक्शन सी को लेंगे, अगर उनमें भी सेम रहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम जो ओल्डर कैंडिडेट्स हैं, क्वालिफाइंग जो ओल्डर कैंडिडेट्स हैं उसकी
उसको हम वरीयता यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण इसका दिया गया है कि किस तरह से हम मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर एज के संदर्भ में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो कोरिएंडम रिगार्डिंग द एज रिलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स, तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार से आसानी से देख सकते हैं। द पॉइंट नंबर 15 ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट मे बी रीडर्स, तो इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है एज के संदर्भ में। देयर विल बी नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन परमानेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पर जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनके लिए जो आयु के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ कोई मैक्सिमम जो आयु है वो निर्धारित नहीं की गई है। इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट नंबर दिया गया है 2, टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब एंड रिसर्च 59 पोस्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस 3 पोस्ट। फॉर ऑल अदर पोस्ट द एज रिलेक्शन अप टू 5 ईयर्स विल बी अलाउड फॉर द डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर 5 ईयर्स की जो छूट वो दी गई है इन पोस्टों के लिए। एंड कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए। रिलेक्शन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डिनेंस विथ द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट के हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की जो आयु का निर्धारण है नहीं किया गया है। और कुछ पोस्ट हैं जिनमें 5 साल की जो छूट है वो दी गई है। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। जल्दी ही इसके जो एडमिट कार्ड हैं जारी होने वाले हैं, तो विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहें RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।